आप देख रहे हैं CN24। नमस्कार, मैं मेहर और आप देख रहे हैं CN24 पूर्वांचल अपडेट्स में आपका स्वागत है। शुरुआत आज की टॉप रिपोर्ट्स के साथ। इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं वमनिया, अ कंप्लीट मेकओवर, रॉयल दरबार वेज एंड नॉन वेज मल्टी क्विजीन रेस्टोरेंट, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। तो खबर में रहे। दिल्ली में संविधान जलाने वालों के खिलाफ उग्र हुए लोग, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग। गोरखपुर के युवाओं ने किया हिंदुस्तान की ललकार लघु फिल्म का निर्माण। राफेल विमान का दाम बढ़ाने के विरोध में उतरे कांग्रेसी, किया प्रदर्शन। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने लिया अखंड भारत का संकल्प। जाम से छुटकारा पाने के लिए यातायात पुलिस ने चलाया अभियान, सड़क पर खड़े वाहनों का किया चालान। गोरखपुर के सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज के शिक्षकों ने काली पट्टी बांध किया विरोध प्रदर्शन। 7वां पे कमीशन लागू करने की मांग। भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा बढ़ाई गई, चौकसी में लगे सीमा सुरक्षा बल। स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए पुलिस सतर्क, किए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। और लोगों ने कहा कब मिलेगी गड्ढों से आजादी। दिल्ली के जंतर मंतर पर कुछ उपद्रवियों द्वारा संविधान जलाए जाने से आक्रोशित विभिन्न संगठन के कार्यकर्ताओं ने आज गोरखपुर में प्रदर्शन कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। अंबेडकर चौक पर पूर्वांचल सेना के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन करते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे धीरेंद्र ने कहा कि दोषियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो आंदोलन और तेज होगा। संविधान विरोधी भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, आरक्षण विरोधी भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, विरोधी भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, देशद्रोही भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। देखिए, देश में लगातार संवैधानिक हकों का उल्लंघन किया जा रहा है। केंद्र में बैठी सरकारों के द्वारा तमाम इस प्रकार के अमेंडमेंट करके संविधान को तोड़ा जा रहा है, संशोधित किया जा रहा है, और उसी क्रम में SC ST एक्ट का भी संशोधन करके उसको समाप्त किया गया। सरकार को चाहिए कि जातिवाद को खत्म करने के लिए काम करें, लेकिन वो जातिवाद को बढ़ावा दे रही है। जब भी जातिवाद के नाते SC ST का उत्पीड़न होता है और उसी को खत्म करने के लिए SC ST एक्ट बनाया गया है, लेकिन SC ST एक्ट को कमजोर करने का प्रयास करके केंद्र सरकार ने लोगों को ये मौका दिया कि वो संविधान का विरोध करें, और ऐसे लोगों को जो संविधान विरोधी है उनका मनोबल बढ़ाया, और यही परिणाम रहा कि संविधान की प्रतियों को कुछ मनबल लोगों ने, कुछ संविधान विरोधियों ने जंतर मंतर पर दिल्ली पुलिस के सामने फूंका। लेकिन दिल्ली पुलिस ने तो ऑन स्पॉट गिरफ्तार किया। यहाँ एक काला झंडा अगर किसी एक मंत्री संतरी को दिखाया जाता है तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसी संविधान के संसदीय क्षेत्र में कॉन्स्टिट्यूशन हॉल के सामने कल एक व्यक्ति पर गोली चलाई गई। आप क्या दिखाना चाहते हैं इस देश को? इसी देश के केंद्र में जहाँ हमारे देश की राजधानी है, जहाँ पर सिक्योरिटी का हाई अलर्ट हमेशा रहता है, वहाँ पर हमारे देश का संविधान, हमारे देश की आत्मा की प्रतियों को फूंका जाता है। हम इस बात को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज हम पूर्वांचल सेना और तमाम अम्बेडकरवादी लोग यहाँ गोरखपुर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर संविधान जलाने वालों के खिलाफ देशद्रोह की कार्रवाई नहीं हुई तो हम उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे। वहीं दूसरी ओर छात्रों के एक दल ने गोरखपुर विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर संविधान जलाने वालों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया और कैंट थाने में मुकदमा भी दर्ज कराया। आज का जुलूस जंतर मंतर पे जिस तरह से राष्ट्रद्रोही और संविधान विरोधी तत्वों ने संविधान की पंक्तियां जलाई हैं, उसी के विरोध में है। हम छात्रों के प्रतिनिधि और तमाम छात्र यहाँ पर खड़े होकर यह बताना चाहते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के द्वारा जो यहाँ के नागरिकों को अधिकार और संरक्षण प्राप्त किया है, उसके खिलाफ कोई भी अगर आवाज़ उठाएगा तो हम छात्र इसी तरह आक्रोशित होकर सड़कों पर उतर कर आंदोलन करेंगे। ऐसे राष्ट्रद्रोही और अराजक तत्वों को संविधान में राष्ट्रद्रोह की संज्ञा दी जाती है, और सरकार को चाहिए कि राष्ट्रद्रोह का इन पर मुकदमा करके इनको जेल के अंदर डाला जाए, जिससे भविष्य में किसी तरह की घटनाओं को अंजाम देने का साहस इस तरह के अराजक तत्व ना कर पाए। किन लोग द्वारा जलाया गया है? जंतर मंतर पर आरक्षण विरोधी कुछ लोग हैं और विशेष रूप से स्वर्ण समाज के लोग हैं, जिन्हें दलित पिछड़ों के आरक्षण से सबसे ज़्यादा तकलीफ हो रही है। बाबा साहब अम्बेडकर ने गरीब पिछड़ों के लिए दलित आरक्षण की जो व्यवस्था की, हमारे समाज को सामाजिक रूप से सद्भावना और प्रेम और एक परस्पर सहयोग के साथ आगे बढ़ने के लिए संविधान में जो व्यवस्था स्थापित की,
उसके खिलाफ ये आरक्षण के खिलाफ अपना आंदोलन कर रहे हैं, जिसका हम लोग इनका प्रतिरोध करते हैं। आज के कुछ युवा जो पढ़ाई लिखाई से अलग मौज मस्ती करने में व्यस्त हैं, तो वहीं हमारे शहर में कुछ ऐसे भी युवा हैं जो देशभक्ति व्यक्त करने और लोगों को देशभक्ति के प्रति प्रेरित करने के लिए लघु फिल्मों का निर्माण कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे शहर के एवी याराना प्रोडक्शन टीम की, जिसने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर माता पिता व मित्रगण के सहयोग से देश प्रेम से ओतप्रोत होकर वीर सैनिकों से प्रेरणा लेकर देशभक्ति का संदेश देने वाले एक लघु फिल्म का निर्माण किया है। आपको बता दें कि इस बाल टीम में सभी छात्र हैं जो पढ़ाई के साथ कुछ अलग करने की सोच से काम कर रहे हैं। देशभक्ति से प्रेरित इस लघु फिल्म की शूटिंग गोरखपुर व आसपास के जिलों में हुई है। वहीं इस फिल्म के गाने को आवाज अभिषेक पांडे ने दी है और फिल्म के डायरेक्टर अभिषेक कसौधन व प्रोड्यूसर विशाल कुमार उपाध्याय हैं। है भारत देश महान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान, हम भारत देश महान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान, हम बुलबुले हैं इसकी, हम सबका ये का मोहब्बत से पिया करते हैं, मेरी हर गलती को हम बर्दाश्त किया करते हैं। अब छोड़ दे आतंक तू आतंकी रे, क्योंकि हम ट्रिगर पे ना जिगर पे जिया करते हैं। देश की तिरंगे पदने सारे मगर सदा देश के तिरंगे को दिल में बसाए हैं, देश के तिरंगे को दिल में बसाए हैं। शान हिंदुस्तान है मेरा यह अभिमान है, भारत माता पर हमको अपमान है, इसके ही खातिर हम सब कुछ लुटाए हैं। भगत सिंह फौलादी का देश है भारत नेहरू गांधी का, तुम लाचार हो पीछे से वार करते हो,
की दड़ तो जाने कितने मिटाए शेर जब हिंदुस्तानी जागेगा भूत या तंक का तब भागेगा देश की सेना तैनात है जो बॉर्डर पर खात्मा कर देगी तुम्हारा एक बॉर्डर पर खाक में मिला देंगे सुन ले जितने आए हैं पर हमको गुमान है हमको गुमान है इसके ही खाती हम सब कुछ लुटाए सड़क तक जाए भारत माता का कर्ज चुकाए भारत माता का कर्ज चुकाए राफेल युद्ध विमान की संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराने की मांग को लेकर महानगर व जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने गोरखपुर नगर निगम स्थित रानी लक्ष्मीबाई पार्क में विरोध प्रदर्शन कर महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं का आरोप है कि यूपीए सरकार के समय में 118 रफेल विमान खरीदने का सौदा 670 करोड़ रुपए प्रति विमान की दर से तय हुआ था लेकिन मौजूदा सरकार ने विमान का दाम बढ़ाते हुए 1670 करोड़ प्रति विमान कर दिया जो सरकार इस सौदे में भ्रष्टाचार को दर्शाता है जिसकी जांच होनी चाहिए रफेल जहाज में बहुत बड़ा घोटाला मोदी की सरकार ने किया 1,08,000 करोड़ रुपए का घोटाला है अविश्वास प्रस्ताव के दौरान हमारे नेता राहुल गांधी जी ने लोकसभा में दहाड़ करके पूछा चुनौती देकर के पूछा प्रधानमंत्री से कि आप रफेल जहाज की कीमत लोकसभा में बताने का साहस क्यों नहीं दिखा पाते और हमारी आंखों में आंखें क्यों नहीं डाल पाते हमसे आंख क्यों नहीं मिला पाते लेकिन प्रधानमंत्री वहां भी राहुल जी की आंखों में आंख नहीं मिला सके ये बहुत ही शर्म की बात है कि भारत जैसे महान देश का प्रधानमंत्री 1,08,000 करोड़ के घोटाले में लिप्त पाया जाए और वो भी किस लिए किसको लाभ पहुंचाने के लिए अपनी मित्र कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए एक ऐसी कंपनी के द्वारा 118 रफेल जहाज की खरीदारी का काम करने का फैसला मोदी सरकार ने किया जिस कंपनी को जहाज का कोई भी अनुभव नहीं है जहाज की खरीदारी के लिए ही वो कंपनी बनाई गई और भारत सरकार का जो उपक्रम है भारत सरकार का जो अपनी कंपनी है HAL हिंदुस्तान इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
उससे वो ठेका वापस ले लिया गया जो यूपीए की सरकार ने उसको दिया था। वो कंपनी, उस कंपनी का निर्माण हमारे दूरदर्शी प्रधानमंत्रियों ने इसीलिए किया था। और जहाज के क्षेत्र में, वायुसेना के क्षेत्र में आज जो हम अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, अपने पड़ोसी देशों के मुकाबले आगे बढ़ चढ़ के, उसमें बहुत बड़ा योगदान एचएएल का, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का है। लेकिन उस योगदान को भुला दिया हमारे प्रधानमंत्री ने। यूपीए सरकार ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने 670 करोड़ रुपया एक जहाज की कीमत तय की थी, लेकिन चुनाव हुआ, सरकार चली गई। जब एनडीए की सरकार आई तो उस सौदे को रद्द करने का साहस नहीं दिखा सकी, क्योंकि वो सौदा सच्चाई की बुनियाद पर हुआ था फ्रांस की सरकार से। मोदी सरकार से जब कहा गया कि आप इसकी कीमत बताइए, तो उन्होंने कहा कि फ्रांस की सरकार से यह सौदा है कि हम उसको गुप्त रखेंगे। लेकिन जब फ्रांस के राष्ट्रपति से बात हुई राहुल जी की, तो उन्होंने कहा ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ। ऐसा झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री भारत की जनता ने कभी देखा नहीं आज तक। तक्षशिला को भारत ने बता देते हैं, इतिहास का ज्ञान नहीं, भूगोल का ज्ञान नहीं, अब वास्तविकता का भी ज्ञान नहीं, सौदे का ज्ञान नहीं, फ्रांस से क्या समझौता हुआ उसका ज्ञान नहीं। तो उन्हें ज्ञान है क्या? ज्ञान केवल इस बात का है कि किस तरीके से अपनी बातों को नाटकीय अंदाज से तोड़ मरोड़ के अपने पक्ष में जनता के सामने हाथों के भद्दे इशारों से, आंखों के भद्दों इशारों से प्रदर्शित करके जनता को भ्रमित किया जाए, उन्हें लुभाया जाए, उनको भरमाया जाए और उनका मत प्राप्त किया जाए। राहुल गांधी जी की चुनौती को याद दिलाते हुए मैं कहना चाहता हूं कि जो सौदा 670 करोड़ का मोदी सरकार ने किया, 1670 करोड़ रुपया एक जहाज की कीमत, 1000 रुपए कीमत एक जहाज की बढ़ा दी गई, 1,08,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया, उसका वो नाम बताएं कि किसके पक्ष में वो घोटाला किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुषांगिक संगठन हिंदू जागरण मंच के तत्वाधान में अखंड भारत संकल्प दिवस कार्यक्रम का भव्य आयोजन गोरखपुर महानगर के निजी लॉन में संपन्न हुआ। आपको बता दें कि हिंदू जागरण मंच ये कार्यक्रम विगत कई वर्षों से मनाता चला आ रहा है। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों को मंच के सदस्यों द्वारा स्मृति चिन्ह और शॉल देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हिंदू जागरण मंच के प्रदेश अध्यक्ष राज त्रिपाठी, मंच के प्रदेश विधि प्रमुख कौस्तुभ मणि त्रिपाठी, आरएसएस के प्रांत सह प्रचार प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी सहित कई गणमान्य एवं मंच के कार्यकर्ता मौजूद रहे। हम सब हिंदू जागरण मंच के अनुसांगिक संगठन है, आरएसएस के एक महत्वपूर्ण अंग है और भारत अखंड हो चुका लेकिन अब इसका एक भी विभाग खंडित न हो पाए, इसका आज हम संकल्प लेते हैं, इसके उपलक्ष्य में कार्यक्रम मनाते हैं। यहाँ पे कार्यक्रम में मुख्य रूप से कटरा कुटरी के महंत स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज हैं और हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजा त्रिपाठी जी भाई साहब हैं और मंच के हमारे तमाम पदाधिकारी, प्रदेश विधि प्रमुख महानगर राजीव जी हैं और अनेक कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हैं। गोरखपुर शहर में आए दिन लोगों को जाम से जूझना पड़ता है और जाम इतना ज्यादा होता है कि लोगों का चलना तक दूभर हो जाता है और आए दिन ये समस्या बढ़ती ही जा रही है। चाहे वो गली हो या सड़क, हर जगह जाम को देखा जा सकता है। वहीं गोरखपुर की यातायात पुलिस ने इस समस्या से लोगों को मुक्त कराने के लिए एक बार फिर प्रयास किया और सड़कों पर खड़े वाहनों और ठेला खोमचे वालों का चालान भी किया। आज यातायात पुलिस ने एसपी ट्रैफिक आदित्य प्रकाश सिंह के नेतृत्व में छात्र संघ चौराहे पर जो गाड़ियां सड़क पर दिखाई दी, उन वाहनों का चालान किया और उन सभी वाहनों को लाद कर यातायात कार्यालय भेज दिया। वहीं मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक ने कहा कि सड़कों पर खड़े वाहनों का चालान किया गया है ताकि वो भविष्य में फिर लोग अपने वाहनों को सड़कों पर खड़ा ना कर सकें। सातवें पे कमीशन लागू किए जाने की मांग को लेकर गोरखपुर जनपद के सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज के शिक्षकों ने काली पट्टी बांध विरोध प्रदर्शन कर अपना आक्रोश दर्ज कराया। आपको बता दें कि पिछले दो दिनों से कार्य बहिष्कार कर सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज के शिक्षक एकजुट होकर
सातवें पे कमीशन की बहाली की मांग को लेकर आंदोलित हैं। वहीं आज दूसरे दिन भी महाविद्यालय प्रांगण में सारे शिक्षक एकत्रित होकर प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों को दोहराया और ये चेतावनी भी दी कि जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती तब तक हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। और शिक्षकों को इस बात का अफसोस भी है कि उनके इस प्रदर्शन की वजह से छात्र छात्राओं का शिक्षण कार्य बाधित हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। उत्तर प्रदेश सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमारी मांगे पूरी हो, पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। फुफोकता के आह्वान पर हम हमारे कॉलेज के सम्मानित शिक्षक 13 और 14 दो दिन के हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हमारे सम्मानित शिक्षकों का मांग है कि पुरानी पेंशन की बहाली जल्द हो तथा सेवन पे कमीशन लागू जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी हो। उसके बावजूद शिक्षकों की आयु सीमा जो 62 वर्ष रखी गई है उसको भी 65 वर्ष किया जाए। ये हमारे शिक्षकों के सामने बहुत सारी समस्याएं हैं जिसकी मांग के लिए हम लोग यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। और जब तक ये हमारी उत्तर प्रदेश सरकार इसकी मांगे हम लोगों की मांगे पूरी नहीं करेंगे, हम लोग अभी दो दिन तक धरने पर हैं। आगामी 20 तारीख को लखनऊ में भी एक धरना रखा गया है जिसमें उसकी रणनीति हम लोग बनाएंगे और यहां से हमारे सभी शिक्षक उस धरने में जाकर के उस धरना प्रदर्शन में भाग लेंगे। उसके बाद 20 तारीख के बाद भी एक धरने का रखा गया समय 28 तारीख को ही लखनऊ में भी, उसमें भी हमारे सभी शिक्षक रणित मना करके धरने में शामिल होंगे। जब तक उत्तर प्रदेश सरकार हम लोग की मांगे नहीं मानेगी हम लोग कंटिन्यूसली इस धरने को आगे बढ़ाते रहेंगे। हाँ, ये हमको अफसोस जरूर हो रहा है कि बच्चों का शिक्षण कार्य प्रभावित हुआ है, हम इससे आहत है। लेकिन गवर्नमेंट को सरकार को भी सोचना चाहिए कि एक शिक्षक जो बच्चों के निर्माण करता है, निर्माण उनके बच्चों को ये घड़े के जैसे बनाते हैं और वो सरकार हम लोगों की मांगों के लिए मजबूर कर रही है कि हम दर्री पर बैठे हैं, उनको इसके बारे में भी सोचना चाहिए। इसीलिए इस सारी चीजों को अवगत कराने के लिए हम अपनी मांगे को उनसे एक अच्छे तरीके से लिखित और ये मीडिया के माध्यम से हम देना चाहते हैं। स्वतंत्रता दिवस को भव्य बनाने के लिए भारत में तैयारियां जोरों पर हैं। सभी सुरक्षा एजेंसियां कोई ना कोई रणनीति लेकर मैदान में उतर गई हैं। मगर भारत नेपाल की खुली सीमा के जरिए इस स्वतंत्रता दिवस पर पानी भी फेर सकता है। इस कारण सीमाओं पर सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। आपको बताते चलें कि भारत नेपाल की खुली सीमा हमारे देश के लिए समस्या बनती जा रही है। नेपाल की ये कमजोरी भारत विरोधी तत्वों के लिए वरदान साबित होती जा रही है। जमाने से खुली इस सीमा के जरिए लोग रिश्ते नाते की नींव मजबूत करते आ रहे हैं। दोनों देशों के बीच रोटी और बेटी के संबंध की एक मिसाल है। लेकिन अब ये खुली सीमा तस्करों के साथ साथ भारत विरोधी तत्वों के लिए आवाजाही का केंद्र बनती जा रही है। मादक पदार्थ, जाली नोट और असलहों की तस्करी में इस सीमा का इस्तेमाल होना आम बात है। सीमा की सुरक्षा की बात करें तो यहाँ तमाम खुफिया एजेंसियों के साथ साथ SSB 24 घंटे मुस्तैद रहती है। बावजूद इसके पूरी तरह से खुली सीमा के सारे प्रयासों पर पानी फेर देता है। आने जाने वाले लोगों पर पैनी नजर रखी जा रही है। वहीं स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए पुलिस के अधिकारी दावा कर रहे हैं कि सीमा की चौकसी बढ़ा दी गई है जिससे कहीं कोई अनहोनी ना होने पाए। स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और पुलिस अलर्ट हो गई है। बीती रात रेलवे स्टेशन के पास स्थित सभी होटलों में सघन चेकिंग पुलिस द्वारा की गई। आपको बता दें कि 15 अगस्त को आयोजित होने वाले कार्यक्रमों और गोरखपुर में दो दिवसीय दौरे पर आ रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा को देखते हुए गोरखपुर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से मुस्तैद हो गई हैं और सघन जांच में जुट गई हैं। गोरखपुर रेलवे स्टेशन परिसर में जहाँ GRP जाँच में जुटी है, वहीं दूसरी ओर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शलभ माथुर के निर्देशन पर जनपद की पुलिस जाँच में जुट गई है। बीती रात रेलवे स्टेशन स्थित विभिन्न होटलों की सघन जाँच पड़ताल की गई और संदिग्धों से पूछताछ भी की गई। CO कैंट प्रभात राय ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए ये अभियान चलाया जा रहा है। कहां काटेंगे?
15 अगस्त को दृष्टिगत रखते हुए ये चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और इस चेकिंग अभियान का मेन पर्पस है कि यहाँ पे रहने वाले सभी व्यक्तियों को, सभी नागरिकों को ये एहसास हो सके कि वो 15 अगस्त का राष्ट्रीय पर्व एक सुरक्षित और स्वस्थ माहौल में मना रहे हैं। अभी तक चेकिंग होटल में की गई है, ढाबों की चेकिंग की गई है और रेलवे स्टेशन, रेलवे परिसर की चेकिंग की गई है। इसमें संदिग्ध व्यक्तियों, संदिग्ध स्थानों की चेकिंग की जा रही है कि ये पता चल सके कि क्या ऐसा कोई व्यक्ति संदिग्ध तो नहीं है जिसके पास अवैध रूप से कोई सामान है। अभी तक किसी भी प्रकार का कोई संदिग्ध चीज़ नज़र में नहीं आई है। लगातार प्रयास किया जा रहा है और जैसे ही अगर किसी प्रकार का ऐसा कोई संदिग्ध चीज़ मिलती है या संदिग्ध व्यक्ति मिलता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। गड्ढों से कब मिलेगी आज़ादी? आज़ादी के तकरीबन 72 साल होने को हैं लेकिन अभी भी तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो कि आज भी ख़त्म नहीं हुए हैं। उन्हीं में से एक है गड्ढे। जी हाँ, सड़कों पर, मोहल्लों में, हाईवे पर और चारों तरफ गड्ढे ही गड्ढे आपको नज़र आएंगे। और आज आलम ये हो गया है कि सड़कों में गड्ढे नहीं बल्कि गड्ढों में सड़कें हो गई हैं और लोगों का चलना सड़कों पर दूभर हो गया है। आज इन सड़कों को लेकर लोगों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि कब मिलेगी इन गड्ढों से आज़ादी। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी जब पद संभाले थे तो उन्होंने सबसे पहला जो बोला कि पूरे उत्तर प्रदेश को गड्ढा मुक्त कर दूंगा और यह उनका अपना जनपद है गोरखपुर। और आप यही नहीं, गोरखपुर का हृदय स्थल गोलघर, बेतियाहाता, ऐसे ऐसे गड्ढे हैं कि अगर दो पहिया वाहन चालक अगर सावधानी से न चलावें उन गड्ढों में, अगर उनका उनकी गाड़ी चली जाए तो निश्चित रूप से उनकी जान भी जा सकती है। इसका तो कोई निश्चित समय तय नहीं कर सकते हम, क्योंकि ये डिपेंड एक चेन पे करता है जो अभी सर ने बोला कि छोटे लेवल से एक बड़े लेवल के अधिकारियों तक। आप अभी जिस जगह पे खड़े हैं, अगर एक बारिश यहाँ 2 घंटे हो जाए तो नाली और यहाँ के पानी में आप लेवल डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ की जो रोड है इसका प्रॉपर स्लोपिंग नहीं है टूवर्ड्स नाली जो भी जा रही है। यहाँ जो मटेरियल यूज़ हुआ है, चारकोल, बिटुमेन जो भी है, उनकी क्वालिटी बहुत डिग्रेड की है। सबसे पहले तो हम स्वयं दोषी हैं, दोनों साइड से हमें गड्ढे मुक्त सड़क चाहिए और दोनों साइड से पटरियों को हम पाट रखते हैं। सड़क पर पानी लगती है और कितनी भी अच्छी क्वालिटी की सड़क बने, समझिए कि वो टूटना तय है। दूसरी चीज़, नगर निगम को जो सिल्ट निकालने की दायित्व है नालियों में से, वो नहीं निभा रहा है। नतीजा ये होता है कि हमारी सड़कें जल्दी टूट जाती हैं। क्वालिटी की कमी है, नो डाउट क्वालिटी की कमी है, उसमें हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए उन ठेकेदारों को बाहर कर सकते हैं जिनके पास पर्याप्त टेक्नोलॉजी नहीं है। अतः हम तीसरी नगर निगम की दायित्व तय कर सकते हैं और जनता की भी दायित्व तय कर सकते हैं। पेनाल्टीज होनी चाहिए, जो भी पटरियों को पाटे उस पर पेनाल्टी कम से कम तय होनी चाहिए। पूर्वांचल अपडेट्स में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए CN24। आप देख रहे हैं CN24।